भिवंडी के शांति नगरी इलाके में एक शौहर ने गुस्से में अपनी बीवी पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला डाला। ये सनसनीखेज मामला भिवंडी शहर का है। आपको बता दें कि इलाज के दौरान बीवी की मौत हो गई है और हत्यारे शौहर को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार भिवंडी के शांति नगर इलाके में स्थित गौसिया मस्जिद के पास फिरोज शेख 35 वर्षीय अपनी बीवी रुखसाना बानो के साथ रहता था। सूत्रों के अनुसार फिरोज दारू पीता था और जिसकी वजह से वो ठीक से काम धंधा नहीं करता था और इसी वजह से हर रोज़ मियां बीवी में झगड़े होते रहते थे। पुलिस के अनुसार गुरुवार 23 दिसंबर को फिरोज अपनी बीवी से दारू पीने के लिए पैसा मांग रहा था, लेकिन उसकी बीवी ने उसे पैसा नहीं दिया, जिसकी वजह से दोनों में जमकर झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर फिरोज ने शाम 5 बजे के वक्त अपनी बीवी पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया। इस घटना में उसकी बीवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पीड़िता की हालत नाजुक होने के कारण उसे सायन अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शांति नगर पुलिस ने हत्यारे शौहर को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर मामला दर्ज कर लिया है। ये लड़की का इंतकाल हुआ, मेरी बहन थी, इसकी शादी हुए 15-18 साल हुए और इसका आदमी पी खा के 2-4 महीने में हमेशा इसको मारता पीटता था, घर से भगा देता था और कई बार हमने एफ आई आर भी किए और 4-6 दिन 8-10 दिन से बहुत परेशान करा था और बोले मैं मर जाऊंगा या मार दूंगा और ये हादसा हो गया और इसको ये जल गई। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम फिरोज। क्यों मारता था? पी खा के मारता था। क्यों मारता था? कोई बात पे झगड़ा होता? कोई बात पे नहीं, पी ले खा ले और मारने लगे। कोई काम करता था कि नहीं? कोई काम नहीं करता था। तो फिर घर कैसे चलता था? लड़की काम करती थी। लड़की काम करती थी? हाँ। तो ये जब हादसा हुआ तब घर वाले कहाँ थे? घर वाले कोई नहीं था, लड़की वही घर पे थी लड़के के और मैं गाड़ी पे था और अम्मी अब्बा अम्मी गाँव गए। लड़का उसके घर वाले कोई है नहीं? नहीं। माँ बाप उसके? नहीं, उसके माँ बाप नहीं है।